1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में हालांकि अंग्रेजों ने सफलता पा ली थी, फिर भी विद्रोह की आग कई जगह सुलगती रही। मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक वर्ग जो वहाबी के नाम से विख्यात था, अंग्रेजों का लगातार विरोध करता रहा। इस आंदोलन का जोर उत्तर भारत में था, पेशावर और पटना में इसके केंद्र थे। वहाबियों का संगठन इतना मजबूत था कि सन 1830 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया था। उधर दक्षिण बंगाल में 24 परगना, नदिया और फरीदपुर में भी वहाबियों का अच्छा प्रभाव था। वहां के किसान तीतो मियां के नेतृत्व में विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए थे और अंग्रेजी राज समाप्त होने की घोषणा कर दी थी। चारों ओर विद्रोह फैल गया। आखिर अंग्रेजों की सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए आ गई। खुला संघर्ष हुआ। तीतू मियां मारे गए और 340 वहाबी पकड़े गए। इस तरह वहाबी आंदोलन, जो शुरू में धार्मिक रंग लिए हुए था, अंग्रेज विरोधी हो गया और आजादी का समर्थक बन गया। उधर सीमा प्रांत के वहाबियों ने अंग्रेजों से 1858 और 1863 में दो बार युद्ध लड़ा। आखिर दिसंबर 1863 में अंग्रेजी सेना ने मलका के मजबूत किले को जीतकर वहाबी आंदोलन पर भारी चोट की। अंग्रेजों ने सीमा प्रांत के वहाबियों को पकड़कर उन पर मुकदमे चलाए। सन 1871 में एक वहाबी नेता अमीर खां पर मुकदमा चलाया गया। वहाबियों ने पैरवी करने के लिए मशहूर अंग्रेज वकील मिस्टर एनएसटी को खड़ा किया। मिस्टर एनएसटी ने अंग्रेज होकर भी वहाबियों के पक्ष को बड़ी मजबूती से अदालत में रखा। उनकी दलीलों को वहाबियों ने पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया, जिससे उनका अच्छा प्रचार हुआ। जज ने मुकदमा तो खारिज कर दिया, किंतु अमीर खां को नहीं छोड़ा गया। ये अंग्रेजों के काले कानूनों का एक नमूना था। इस पर एक दिन मौका पाकर अब्दुल्ला नामक एक वहाबी ने जज पर छुरे से हमला कर दिया। बाद में इसके लिए अब्दुल्ला को फांसी हो गई। उधर पटना में वहाबी आंदोलन के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। इन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाने और सीमा प्रांत के विद्रोहियों की मदद करने का आरोप था। मौलवी अहमदुल्ला पर फौरन मुकदमा चलाया गया। झूठे गवाहों के बयान दिए गए और मौत की सजा दी गई। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले के तुरंत बाद मौलवी अहमदुल्ला को अंडमान भेज दिया गया और पटना में उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई। इतिहासकार लिखते हैं कि अंडमान पहुंचकर भी मौलवी अहमदुल्ला इस आंदोलन को जीवित रखने का लगातार प्रयत्न करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पूका विद्रोह का अपना अलग ही महत्व है। सदगुरु राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। सदगुरु राम सिंह का जन्म लुधियाना के भेणी गांव में हुआ था। वो कम उम्र में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे, किंतु जब बाद में इस राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया तो चारों तरफ बेचैनी फैल गई। सदगुरु राम सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटाकर भजन पूजन में मन लगा लिया।
सदगुरु राम सिंह की भक्ति का इतना यश फैला कि भेणी एक तीर्थ स्थान बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने इस नए संप्रदाय का नाम रखा कूका या नामधारी संप्रदाय। धीरे धीरे सदगुरु राम सिंह के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे भक्तों का एक संगठन बनाया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करे। उन्हीं दिनों सदगुरु राम सिंह की भेंट महाराष्ट्र से आए संत रामदास से हुई। देश की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति, सूखा, अकाल, अंग्रेजों के जुल्म आदि विषयों पर बातचीत हुई। संत रामदास ने कहा कि इन समस्याओं का हल करने के लिए देश का आजाद होना जरूरी है। सदगुरु राम सिंह ने असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अंग्रेजों की अदालतों में न जाओ, उनके विद्यालयों में न पढ़ो। जब अंग्रेजों को सदगुरु राम सिंह की असहयोग नीति और उनकी अलग से चलने वाली डाक व्यवस्था के बारे में पता चला तो वो चौकन्ने हो गए। सदगुरु राम सिंह ने अपना काम गुप्त रीति से शुरू कर दिया। ये तय हुआ कि भीतर ही भीतर लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया जाए। 5 वर्षों तक गुप्त रूप से काम चलता रहा। लेकिन एक दिन सदगुरु के चेले यात्रा पर जा रहे थे कि एक शिष्य को कसाईयों ने घेर लिया, उल्टी सीधी सुनाई और अपमानित किया। क्रोध से भरा हुआ वो शिष्य सदगुरु के पास आया, झगड़े की बात बताई और बोला, अब शांति से काम करना मुश्किल है, आप अभी विद्रोह के लिए आदेश दें। सदगुरु ने शिष्यों को समझाया पर वो आपने से बाहर हो चुके थे। वो मलेरकोटला के किले की ओर हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े। हथियार लेकर वो सब युद्ध के लिए निकल पड़े। शिष्यों ने सदगुरु की आज्ञा के बिना युद्ध छेड़ दिया था। सदगुरु इस स्थिति से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं उनका समर्थन कैसे करूं? उधर से अंग्रेज सेना आ गई, सभी शिष्य गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इन्हीं विद्रोहियों में एक शिष्य 13 वर्ष का बालक था। अंग्रेज अफसर ने उससे कहा, अगर तुम कह दो कि सदगुरु राम सिंह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अपने गुरु की बुराई सुनते ही उस बालक ने झपट कर अंग्रेज की दाढ़ी पकड़ ली। अंग्रेज अफसर और उसके सिपाहियों ने दाढ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर सफल न हुए। अफसर ने गुस्से में बालक का हाथ काटने का आदेश दे दिया। सिपाही ने पलक मारते ही बालक का हाथ काट कर अलग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन शिष्यों की सदगुरु के प्रति भावना को देखकर अंग्रेज परेशान हो उठे। उन्हें लगा कि एक दिन सदगुरु राम सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं, इसलिए उन्हें मलेरकोटला में विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उससे उनका कोई संबंध नहीं था। सदगुरु राम सिंह और उनके कुछ अनुयायियों को रंगून भेज दिया गया, जहां 14 वर्ष बाद उनका देहांत हुआ। सदगुरु राम सिंह देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। उधर बिहार के संथालों ने एक बार फिर आजादी का नारा बुलंद किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में संथालों ने इससे पहले भी सन 1855 में शोषण के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ दी थी। उस समय संथालों के 2 नेता सीधू और उसके भाई कालू ने 16 जुलाई 1856 को अंग्रेजों से पहली बार खुला युद्ध किया था। अंग्रेज पराजित हुए थे और वीरभूम और रानीगंज का बहुत सा क्षेत्र संथालों के कब्जे में आ गया था। फिर
कलकत्ते की ओर बढ़ते हुए 30,000 संथालों से अंग्रेजों की भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में 10,000 संथाल मारे गए। अंग्रेजों ने उन पर अपना आतंक जमा दिया। सन 1871 में पुनः संथाल विद्रोह भड़का, पर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। विद्रोह दब तो गया पर बंद नहीं हुआ। इसके बाद बिहार के रांची और सिंहभूम जिलों के मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ फिर विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता था एक युवक मुंडा बिरसा। बिरसा कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने उस समय के समाज और शासन की स्थिति देखकर ये महसूस किया कि न्याय पर आधारित भूमि व्यवस्था और शोषण से बचने के लिए लंबा संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर बिरसा ने आदिवासी समाज की जिस तरह सेवा की, उससे वो जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। बिरसा ने जहां आदिवासियों में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर किया, वहीं ईसाई मिशनरियों के फैलते प्रभाव को भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को शोषण के खिलाफ जगाया। आखिर मुंडा बिरसा की लोकप्रियता और शोषण विरोधी कार्यों को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस पर मुंडा आदिवासियों ने जहाज छेड़ दिया। फिर भी अंग्रेजों ने बिरसा को एक रात गिरफ्तार कर ही लिया। बिरसा को 2 साल की सजा देकर हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल में वो हमेशा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सोचते रहते। 2 साल बाद जब मुंडा बिरसा जेल से छूटे, तो उन्होंने चलखेद में एक सभा की। प्राचीन मुंडा राज्य के ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों के दर्शनों की योजना और राजनैतिक चेतना जागृत करने की कार्रवाई शुरू की। इस पर अंग्रेज फिर उन्हें पकड़ने के लिए आए, पर मुंडा बिरसा कहां हाथ आने वाले थे। वो आदिवासियों का संगठन कर उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करने में जुट गए। उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र डुमरी में बनाया, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। होली के अवसर पर आयोजित सभा में ब्रिटिश सरकार और महारानी विक्टोरिया के पुतले जलाए गए। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विद्रोह की योजना बनाई गई। ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर बिरसा के नेतृत्व में नए राज्य की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई। आखिर योजना के अनुसार सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर, रांची के खूंटी, कर्रा, तोरपा, तसार और बलिया में विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेज सेना तुरंत विद्रोहियों को दबाने के लिए सक्रिय हो उठी। सैल रकाब की पहाड़ी पर जबरदस्त युद्ध हुआ। आदिवासी तीरों और पत्थरों से अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ आतंक, दमन और अत्याचार का वातावरण फैल गया। भारी संख्या में आदिवासी मारे गए। विद्रोह एकदम ठंडा कर दिया गया। पर बिरसा पकड़ में नहीं आ रहे थे। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया। बिरसा किसी तरह जंगलों में छिपते भटकते समय काट रहे थे कि एक दिन उनके ही साथियों ने धन के लालच में उन्हें पकड़वा दिया। जेल की कैद में बिरसा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका देहांत हो गया। किंतु आज भी वहां बिरसा को देवताओं के समान पूजा जाता है।